एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का निजी विवाद अब पब्लिक हो चुका है और इस पे कूद पड़े हैं एडवोकेट एपी सिंह साहब। सर आप भी कूद गए इस विवाद में? नहीं, मैं कूदता नहीं हूँ, मैं तो आराम से बैठता हूँ। जो लोग आते हैं उन्हें जरूर बताता हूँ, रास्ता दिखाता हूँ, राय देता हूँ, कानूनी राय देता हूँ। और बहुत परेशान आदमी है और इसकी मदद होनी चाहिए और आप लोगों ने भी मदद की, क्योंकि इसके आंसू तो आप लोगों ने देख लिए, पूरे देश ने देख लिए, क्योंकि आंखों से बाहर निकले। इस देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं, करोड़ों पति हैं, जिनकी आंखों के आंसू बाहर नहीं निकलते, अंदर अंदर निकलते चले जाते हैं, अंदर अंदर घुटते चले जाते हैं, अंदर अंदर मरते चले जाते हैं। और यही कारण है 150 से 200 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं पीड़ित होके। वो पीड़ित हैं, पीड़ित पति हैं, दुखी पति हैं, परेशान पति हैं, उनकी सुनने के लिए कोई नहीं होता। चलो इसकी तो आप लोगों ने सुन ली, पुलिस ने सुन ली, माननीय योगी आदित्यनाथ जी यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने सुन ली, तब ये सामने आ गया। नहीं, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इस तरह सुनवाई नहीं होती है। और सदैव जब भी ऐसे कारण हुए, जब भी ऐसे केस हुए, क्योंकि होता क्या है, इस देश में बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए, न्यायाधीश हुए, अभिनेता हुए, राजनेता हुए, व्यापारी हुए, प्रतिष्ठित वर्ग के हुए, अधिवक्ता हुए, डॉक्टर हुए, बहुत हुए, जिनकी धर्म पत्नी पत्नियां कम पढ़ी लिखी और अनपढ़ थीं, लेकिन उन सब पतियों ने, चाहे कितनी प्रतिष्ठा के पद पर रहे, मान सम्मान के पद पर रहे, पैसा रहा, धन रहा, जनबल रहा, बाहुबली रहे, बाहुबली सांसद रहे, सब कुछ रहा, क्रिमिनल रहे, हार्डकोर क्रिमिनल रहे, लेकिन उन्होंने सबने अपनी पत्नियों को रानी बना के रखा। बेशक कम पढ़ी लिखी थी, बेशक अनपढ़ थी, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। जब पत्नी, महिला, नारी, स्त्री पति से अधिक पढ़ लिख जाती है, चाहे पढ़ाने में पति हो, सहयोगी हो, साथ हो, तन लगाए, मन लगाए, धन लगाए, बच्चों को पाले, घर पे पोछा करे, झाड़ू लगाए, खाना बनाए, खिलाए, उसके कपड़े धोए, अपना साधारण साबुन से धोए, उसके ड्राई क्लीन करा के दे, उसको प्रयागराज ले जाए, उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट ले जाए, उसको अच्छे अच्छे सेंटर में पढ़ाए, उसको इंटरव्यू के लिए ले जाए, बच्चों को, जुड़वा बच्चों को अपना बाहर बैठे हुए खिलाता रहे, दूध दानी से दूध पिलाता रहे। लेकिन जब वो उस महिला को पद मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, गरिमा मिलती है, तो पति का सम्मान भूल जाती है, पति का प्यार भूल जाती है, वो शादी के फेरे भूल जाती है, सात फेरों की कस्में भूल जाती है, वो माथे का सिंदूर, माथे की बिंदिया, हाथों की चूड़ियां और पैर के बिछुआ और मंगलसूत्र भी भूल जाती है, फिर उसे कोई और मिल जाता है और उसी से साथ व्हाट्सएप में पति पत्नी और वो भी आ गए सिंह साहब। हाँ, वो तो आए थे, वो तो शुरुआत उन्हीं से ही होती, अगर वो ना होते तो क्या ये होता। अरे इश्क तेरे अंजाम पे रोना आया, यही तो बात है, इश्क कहाँ किया, किससे होना था, किसका चलना था, 13 साल इसके साथ इश्क चला, जुड़वा बच्चियां हुई, और जब पास होके आई, इंटरव्यू देके आई, सिलेक्शन होके आई, तो उन्होंने आके गांव के लोगों को, अपने पति को, अपने सास ससुर को कहा कि इनकी वजह से हम ये बने हैं, इनकी मेहनत थी, इनकी सफलता मेरी सफलता नहीं, इनकी सफलता थी। लेकिन आज जब वो आ गए तो वो जीरो हो गए और वो हीरो हो गए, लेकिन उन्होंने भी अपनी पत्नी का ध्यान नहीं किया। उनके साथ भी एक सात फेरे वाली थी, सिंदूर भरती थी, माथे की बिंदिया लगाती थी, मंगलसूत्र पहनती थी, हाथों की चूड़ी पहनती थी, बिछुआ पहनती थी, उन्होंने उसका भी ध्यान रखा, अब वो उन पर केस कर रही है, ये उन पर केस कर रहे हैं, ये दोनों आपस में सफाई देते घूम रहे हैं। सिंह साहब, एसडीएम मैडम कह रही हैं कि निजी मामला था, हर पति पत्नी का होता है, वो अलग होना चाहती हैं, इसको इतना ज्यादा पब्लिकली कर दिया गया, ऑडियो वायरल कर दिए गए, क्या करता अगर वो ना करता ऑडियो वायरल, अगर वो व्हाट्सएप चैटिंग गलत था, निजता थी, लेकिन वो किसकी थी, वो उसकी पत्नी की थी, उसकी पत्नी दूसरी जगह जा रही है, वीडियो मिल रही है, ऑडियो मिल रही है, व्हाट्सएप चैटिंग मिल रही है, ये सब कुछ हो रहा है, उसके बाद क्या करता, वो आत्महत्या कर लेता या उसके द्वारा षड्यंत्र के द्वारा मारा जाता। ऐसे कितने पति हैं इस देश में जो उसी बेड पर, जो बेड उन्हें दहेज में मिला, जो बेड उनकी सुहागरात का गवाह बना, जो बेड उनके हनीमून का गवाह बना, उसी बेड के बॉक्स में उन पतियों की काट कर, गर्दन काट कर लाश रख दी गई और उन बेड के ऊपर दूसरे के साथ, अन्य के साथ और के साथ हम बिस्तर। कितने केस ऐसे चल रहे हैं, कितने ऐसे उदाहरण हैं, आपने भी कवर किए, आप तो क्राइम के बहुत अच्छे बड़े रिपोर्टर हैं, कवरेज करते हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, आपने देखा। लेकिन क्यों, पुरुष की बात उठाने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं, बात ही नहीं है, पुरुष किसी पॉलिटिकल एजेंडे में ही नहीं है,
पुरुष की बात नहीं की जाती है। महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्प लाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए स्पेशल थाना है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है, पुरुष आयोग कहाँ है? कहाँ है पुरुष मंत्रालय? कहाँ है पुरुष हेल्प लाइन? अच्छी बात है, आप एक पुरुष के सपोर्ट में आगे खड़े हुए हैं, आप भी एक पुरुष हैं, लेकिन क्या आलोक की गलती ये थी कि वो एक स्वीपर है महज और वो SDM बन गई मैडम? ये किसी की गलती नहीं है। इस देश में करोड़ों चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, करोड़ों स्वीपर हैं, और बिना स्वीपर के देश नहीं चल सकता, स्वच्छता अभियान नहीं चल सकता, माननीय मोदी जी का नारा नहीं चल सकता। ये कोर्ट, ये अस्पताल, ये थाना, ये बिल्डिंग, ये मॉल, ये रोड, ये संसद, ये विधानसभा, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट नहीं चल सकते बिना स्वच्छता अभियान के, बिना स्वीपर के। उसे आप नगण्य नहीं कर सकते। काम है, वो काम कर रहा था, उसने मेहनत की, उसने आगे बढ़ाया, उसने उन्हें बढ़ाया हौसला। ऐसे कितने पति हैं जो योग्यता देखते हैं कि हमारी पत्नी योग्य बन सकती, आगे बढ़ाते हैं, प्रयास करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं पीछे वाले को छोड़ दो, आप आसमान छू लें, लेकिन पैर धरती पर रहना चाहिए। जिस दिन आपने पैर धरती से हटा दिए, आसमान भी एक दिन आपको छोड़ देगा, गिरा देगा, आपको गिरने के लिए समुद्र भी जगह नहीं मिलेगी। सर, मैडम कहती हैं कि झूठ बोल के शादी की, अब एक शादी का कार्ड भी वायरल हो रहा है। ये सब झूठ है साहब। ये शादी 13 साल पहले हुई, ये शादी लिंक्डइन से नहीं हुई, इंस्टाग्राम से नहीं हुई, फेसबुक से नहीं हुई, पेज से नहीं हुई, शादी.com से नहीं हुई, मैरिज ब्यूरो से नहीं हुई, रास्ता चलते नहीं हुई, क्लब में नहीं हुई, पब में नहीं हुई, बार में नहीं हुई, डांस रूम में नहीं हुई। ये शादी गांव में हुई थी, और गांव में शादी होती है तो एक व्यक्ति जब गांव में घुसता है, लड़की का बाप, पिता, भाई, तो गांव में घुसते ही किसी के बारे में पूछता उनका घर कहाँ है। सब डाटा, पूरा बायोडाटा गांव का वाले बता देते हैं उसको, कौन है, क्या है, कहां घर, कौन क्या, सब बता देते हैं। ये महानगर की जिंदगी नहीं है कि ऊपर कौन रह रहा है, नीचे कौन रहा है, दाएं कौन रह रहा है, बाएं नहीं, पता नहीं, हमें नहीं पता, हमें नहीं जानकारी। नीचे सफेद लगा है टेंट, किसी की मौत हो गई, ऊपर बैंड बज रहा है, ढोल बज रहा है। ये महानगर नहीं है, ये ग्रामीण परिवेश में शादी हुई, 13 वर्ष पहले शादी हुई। कोई नहीं कह सकता कि ये ऐसे लगाए गए आरोप, पूरी तरह झूठ। अब वो कह रहे फॉर्च्यूनर मांग रहा था, 2009 में फॉर्च्यूनर आई, 10 में फॉर्च्यूनर वो इन्हीं से मांग रहा था, 50 लाख रुपए मांग रहा था। क्या मतलब होता है चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी 50 लाख रुपए ने देगा, क्यों मांगेगा, क्यों मांगेगा दहेज? 50 लाख रुपए मांग रहा, ससुर टॉर्चर कर रहा था 13 साल से, ससुर टॉर्चर कर रहा था। अरे कमाल है भाई, देख भाई, और आप SDM थी, आपने कहीं कंप्लेंट नहीं की, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, आपके यहाँ तो CEO आते हैं, आपके यहाँ तो थाना अध्यक्ष आते हैं, सैल्यूट करते हैं, मैम यस आई एम हियर। आपने नहीं कहा कि मेरा पति मुझे धोखा दिया, मेरा ससुर मुझे मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है, भूखा। उसने वो काम किया एक महिला के साथ जैसे फिल्म में हीरा ठाकुर ने किया था, लेकिन भूल गया वो सूर्यवंशम में। हीरा ठाकुर तो बना, लेकिन हीरा ठाकुर को उसने पूरी नकल नहीं की। हीरा ठाकुर अपनी पत्नी को DM बनाते बनाते खुद भी 60 बसों का मालिक बन गया और 300 बीघा जमीन का मालिक बन गया, तब उसकी पत्नी उसके ससुर को पेपर वेट गिरा के पैर छूने गई, क्योंकि उसका बेटा जो है उसके पैर छूने गई थी, जिसका बेटा 60 बसों का ट्रांसपोर्टर था और अपने पिता के नाम पर ट्रांसपोर्ट एजेंसी खोल रहा था, जमीनें बेच रहा था, खेत थे, खलिहान थे, और वो भी संपन्न था। सिंह साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इतने कितने पुरुष हैं जो महिलाओं को छोड़ देते हैं, उनकी चर्चा नहीं होती, एक महिला अगर अपने पति को छोड़ रही है तो इतना बड़ा बवाल, बखेड़ा खड़ा हो गया है। देखिए, कुत्ता आदमी को काटता है खबर नहीं बनती है, आदमी कुत्ते को काट लेता है वो खबर बनती है, यही बड़ी बात है, यही समाज की बात है। इसलिए महिला रही है, अर्धांगिनी रही है। आप देखिए, इस देश की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा मूल्यांकन होता है प्रॉपर्टी से, मकान, जमीन, खेती, फ्लैट, फ्लोर, जो भी है, अधिक से अधिक महिलाओं के नाम है प्रॉपर्टी में, ज्वेलरी महिलाओं के पास है, गाड़ियों की मालिक आप निकाल के देखिए महिलाएं हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ नहीं, गलत हो रहा है, पद का दुरुपयोग है, मान सम्मान मिले, लेकिन अपने परिवार के साथ। गाना था ना, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, कभी ये प्यार न छूटे, मेरा घर द्वार न छूटे। ये गाना गा के देखती ना SDM साहिबा, मेरा घर द्वार, मेरे घर द्वार में कौन था? पति था, बच्चे थे, जुड़वा बच्चे थे। क्या इन दोनों ने मिलकर उन बेटियों के बारे में सोचा? उन बेटियों का क्या भविष्य होगा? क्या सोचेंगी बेटियां बड़े होके? अपनी माँ के बारे में क्या सोचेंगी? अपने पिता के बारे में क्या सोचेंगी?
उनके बारे में सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने आनंद, अपने स्वार्थ, अपने मान और सम्मान के बारे में सोचा, अपने पद और गरिमा के बारे में सोचा। माता पिता का फर्ज होता है अपने बच्चों के लिए काम करना। मैंने कितने घर उजड़ते हुए देखे, कितने पुरुषों को अपनी पत्नी से शिकायत है, कितनी पत्नियों को अपने पतियों से शिकायत है, लेकिन उन्होंने कहा, सर डॉक्टर एपी सिंह जी, मेरी बनती तो नहीं, लेकिन इन बच्चों के लिए मैं त्याग कर रहा हूँ, इन बच्चों के भविष्य के लिए त्याग कर रहा हूँ। व्यक्ति अपने बच्चों के लिए भविष्य के लिए त्याग करता है, झूठ बोलता है, मेहनत करता है, अपना फटी बनियान पहनता है, अपना फटा नेकर पहनता है, अपने ब्रश को, एक ही ब्रश को रगड़ता रहता है, कोलगेट को दबा दबा के निकालता है, वो किस लिए? भूखा रहता है, प्यासा रहता है, पानी का लगा होता है, वाटर का 5 रुपए गिलास वो नहीं पीता है, वो टोटी ढूंढता है कि वहां से फ्री में पानी पी लूं, पैदल चलता है, ई रिक्शा नहीं लेता है, बस पकड़ता है, मेट्रो नहीं लेता है अपने परिवार के लिए। आपको लगता है सिंह साहब, एक वो आदमी जो उस लड़की के साथ शुरू से जुड़ा रहा, उसको एग्जाम दिलाया, इस मुकाम तक पहुंचाया, एक पीड़ित पति का दर्द अब उभर के सामने आया है? ये उसका दर्द नहीं है, केवल उसका दर्द, उसका तो दर्द है ही है जिससे आप देख रहे हैं, ये इस देश के करोड़ों पतियों का दर्द है। उस दर्द से इस देश के करोड़ों पति पीड़ित हैं। कुछ के आंसू बाहर निकलते हैं, कुछ के आंसू अंदर जाते जाते सुसाइड कर लेते हैं, पंखे पे लटके मिलते हैं, ट्रेन से कूद जाते हैं, जहर खा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, दुखी होकर, परेशान होकर। और जब वो दुखी होकर, परेशान होकर आत्महत्या करते हैं, तो उनका अगर बाप है या भाई है, वो कहता है, साहब क्या हुआ? हम पूछते, क्या हुआ? सब कुछ घर में अनबन हो गई थी, इसलिए बच्चे ने आत्महत्या कर ली साहब, बस हमें FIR नहीं करानी। आलोक मौर्य को आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आलोक मौर्य हमसे जो जो हेल्प मांग रहा है कि हमारा क्या होगा, हमें के कोई बात नहीं, असिस्ट जस्टिस फॉर ऑल, अगर उनके लिए न्याय है तो माननीय अदालतें तुम्हारे लिए भी न्याय देंगी, न्याय सबके लिए, इस देश के दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर संपर्क में है के लिए, हाँ संपर्क में बात करता है। हमने कहा जिस तरह से जैसी जरूरत होगी आई विल डू, हेल्प करेंगे। सिंह साहब, आप तो कानून के जानकार हैं, आपने कई हाई प्रोफाइल मामले भी लड़े हैं, ये कानूनी पेचीदगी है कि महिला अगर तलाक देना चाहे तो म्यूचुअल बहुत जल्दी हो जाता है, अगर पति ये लड़ाई लड़े अपनी पत्नी को तलाक देने का तो बहुत लंबे साल तक चलती है? अब समय बदल गया है, माननीय अदालतों का नजरिया बदल गया है, माननीय कोर्टों का नजरिया बदल गया है, झूठे केसों की बाढ़ आ चुकी है, इसलिए आपने देखा दहेज के केसों में पहले अरेस्टिंग होती थी, माननीय अदालतों ने कहा नहीं, अरेस्टिंग नहीं, इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी। महिला उत्पीड़न अब कम हुआ है, पुरुष उत्पीड़न बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये समस्या आ गई है।